फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं कोमती चेरू। कोमती चेरू जो सिद्दीपेट में है, हैदराबाद से थोड़ा सा ही दूर है। वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे कि ग्लो गार्डन, नेकलेस गार्डन और एक ब्रिज भी है। और वहाँ पे मैंने देखा था म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अभी हम लोग गजीपुली साइड से निकले थे, तो वहाँ से 2.5 आवर दिखा रहा था गूगल मैप में। तो लेट्स सी आज हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम लोगों ने ORR ले लिया है। अभी हम लोग ORR से उतरकर नॉर्मल रोड पर आ गए हैं। तो अभी 78 किलोमीटर्स और रह रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं 2.5 घंटे के रास्ते के बाद सिद्दीपेट कोमती चेरू। यार क्या सुंदर सा लेक है ये। अभी हम लोग पार्किंग देखते हैं कहां पर है। अभी तो यहां पे तो कुछ खाली खाली नजर आ रहा है, देखते हैं अंदर कितनी भीड़ है। हम आ चुके हैं कोमती चेरू। ये पीछे हमारे पीछे दिख रहा है लेक। तो अभी शाम की 4:30 बज रहे हैं, थोड़ी तो धूप है। आज सुबह सुबह का मौसम ऐसा सही दिख रहा था, तो हमने सोचा निकल के आ जाते हैं। बट अभी यहाँ पे एक्चुअली धूप है, मौसम हवा तो ठंडी ठंडी है। आई थिंक लेक की वजह से भी काफ़ी वो ठंडक लग रही है। आए हम सैटरडे को, अभी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो वी एक्सपेक्ट द सेम कि यार ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो हम और मस्ती कर पाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे बिना मसड़ के। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी के लिए हमने गाड़ी तो ऐसे सड़क पे पार्क करी है, सड़क के किनारे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों ने ऐसे साइड में पार्क कर रखी है। तो वहाँ पे ना बैरिकेड्स लगा रखे थे, तो फिर हम फिर से यूटर्न लेके आ गए। कुछ चार्जेस वगैरह तो कुछ लगा नहीं, यहाँ पे कहीं लिख भी नहीं रखा पार्किंग का। उधर खाने पीने की चीज़ें दिख रही है, एक नाइट गार्डन दिख रहा है, एक रूबी नेकलेस सिद्दीपेट लिख रखा है। तो हर एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे अभी जाके, इसलिए हम थोड़ा टाइम से पहले आ गए, क्योंकि ना जगह काफ़ी अच्छी है, टाइम चाहिएगा एक्सप्लोर करने के लिए। चाय ली है, 10 रुपये की चाय। थोड़े टाइम में ना ऐसे ऐसे एक चम्मच में दे देंगे, ये लो 10 रुपये की चाय पी लो। इतना साइज तो देखो कप का। चलो कोई नहीं, ठीक थी चाय। तो ना एंटर होते ही यहाँ पे ना काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं, बेकरी, चाय भाई, पानी वगैरह। डेफिनेटली यहाँ पे आके ऐसे कुछ ना कुछ नाश्ता ले लो, अगर सीधा हैदराबाद से आ रहे हो तो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टिकट लेते हैं, अंदर घूमना शुरू करते हैं। तो टिकट का लिख तो यहाँ रखा था, लेकिन भाई साहब ने बोला कि वहाँ पे कोई तो बैठा होगा उससे सीधा टिकट ले लेना। तो यहाँ पे कुछ सेटअप करने लग रहे हैं। हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं यहाँ से, इन भाई साहब ने हमें टिकट दिए थे। 10 रुपये पर पर्सन टिकट है इस ब्रिज का, पर 20 रुपये का और एक और टिकट मिला है हम लोगों को, वो वहाँ पे कोई पार्क है उसका टिकट है। तो चलो चलते हैं पहले ब्रिज की तरफ। हाँ तो यार यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मस्त छाया हो रखी है पेड़ों के बीच में, ठंडी ठंडी लेक से हवा आ रही है। तो मतलब जो भी दिन भर की थकान थी वो सब मिट जा रही है यहाँ पर आने के बाद। हम अभी खड़े हैं सस्पेंशन ब्रिज पे, और ये बिल्कुल ना बस पैदल चलने के लिए, देख सकते हो ऐसा। और स्पेस तो बहुत है, मतलब एक साइड से एक बंदा आ सकता है, दूसरी साइड से क्रॉस कर सकता है उसको। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भसड़ मच चुकी हो। और एक्चुअली वही है, क्या ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मतलब यार वही है ना कि यार
ऐसे सबसे सस्पेंशन ब्रिज पे बहुत सारे लोग एक साथ आ जाए और सब बहुत ज्यादा हिलाना शुरू हो जाए, हाँ, तो वो भी और फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए ना अभी वीकेंड के हिसाब से तो अभी तक तो ठीक ही रश नजर आ रहा है, बेटर हमें लगा था कि शायद भीड़ होगी क्योंकि समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो ब्रिज को पार करके ना हम दूसरी एंट्री की तरफ आ गए जहाँ पे ये ऐसा डॉल्फिन वाली एंट्री है और कुछ कुछ है यहाँ पे। तो इस तरह से भी देखोगे तो पीछे एक टिकट काउंटर लगा हुआ है, इस टिकट काउंटर से इधर की एंट्री होगी। जो मैं आपको पहले वीडियो में बता रही थी कि 20 रुपए का एक और टिकट मिला है हम दो का, तो वो 10-10 रुपए पर पर्सन इस वाले पार्क का टिकट है। तो ब्रिज का 10 और पार्क का 10 किसी भी तरफ से हो ये दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। इधर की एक्टिविटीज देखते हैं, एक झरना जैसा कुछ दिख रहा है वो देखते हैं, फिर चलते हैं वापस अंदर गार्डन की तरफ। देखती हूँ मैं कैसे बजा पाती हूँ, नहीं हो पाया। You want to try? देखते हैं प्रदीप कैसे बजा पाते, ना हो पाई तुमसे भी। बीट सारी तबला है, तबला बजा पा। देखते हैं टूटा हुआ है यार, बहाने नहीं चलेंगे अभी ये। तो बैठने के लिए घोड़े को बिठा रखा है, आगे कछुआ है उस पर बैठ जाओ, ऐसे मतलब ऐसे फन टाइप की चीज है बच्चों के लिए, झूलने के लिए झूले हैं, मतलब सबके लिए करने के लिए कुछ ना कुछ है। ऐसे आओ बैठो, बतियाओ ठंडी हवा में, ऐसे मजे लो, फोटोग्राफी करो। तो एक पपीता खाली मिल गया तो हम इसे बैठते हैं, थोड़ी देर चिल करते हैं। हम लोग बैठे हैं इस पपीते पर और चिल कर रहे हैं, तो बाकी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अब आपके साथ। हाँ, ये गार्डन जो है ये पार्क वार्क दोनों साइड में सारे ना काफ़ी क्लीनलीनेस मेंटेन कर रखी है, लोग कचरा फैला रहे हैं बट आई थिंक जनता जो है यहाँ पे जो सफाई वाले वो काफ़ी मतलब ना फ्रीक्वेंटली साफ कर रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिली कि ना यहाँ पे ऐसे फैमिली आके ऐसे आराम से पिकनिक मना रही है, बना सकते हैं, पेड़ है, लेक की ठंडी ठंडी हवा है, तो बहुत ही सही है। तो लोकल राइड्स के लिए तो बहुत ही सही है, कभी हर वीकेंड भी आ सकते हैं। हर वीकेंड आओ, 10 रुपए वाला इस तरफ आना है गार्डन में, 10 रुपए की एंट्री तो चलता है, इतना तो कर सकता है। और मतलब ऐसे ना कि खाने पीने का सामान लाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनफैक्ट अंदर ही एक यहाँ पे हरिता वाला भी एक स्नैक काउंटर है, तो वो सारी चीज़ों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा आओ खाओ पियो चिल करो, सनसेट का मजा लो, बोटिंग करो और निकल लो। तो अभी देखते हैं हम और क्या क्या करते हैं, बस ये है कि हैदराबाद वालों के लिए थोड़ा सा दूर है। तो इधर ये ओपन जिम वाले भी आइटम है, आई थिंक हैदराबाद में काफ़ी सारे पार्क्स में ये सब इंस्टॉल हो रखे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए एक्सरसाइज। ये फिर से बच्चों के झूले वगैरह आ गए। यार हम लोगों ने सोचा था कि बोटिंग करते हैं अब, सनसेट देखेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, पर ये तो पचका ही हो गया। ये हो गया हमारा सनसेट, ऑलरेडी होराइजन से काफ़ी ऊपर हो चुका है, तो इसलिए ना हमारा बोटिंग का जो प्लान था सनसेट बोटिंग का वो हो गया पचका। तो अब यहाँ पे नहीं लगता कि यार बोटिंग करनी है, मेरा तो नहीं है इतना मन। हमें मेनली वही लगा था कि सनसेट के टाइम पे करेंगे, थोड़ा पानी में ऐसे आराम से स्लो वाली बोट पे, नॉट स्पीड बोट, आराम से ऐसे स्लो वाली बोट पे चलेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे। हाँ, तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इसी तरफ हम रुकते हैं थोड़ी देर, पूरा अंधेरा हो जाने दो, इधर की लाइट्स वाइट्स चलेगी, थोड़ा अच्छा इधर का व्यू लेंगे,
एंड देन फिर उस तरफ चलेंगे वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज के, जिससे हम करेंगे नाइट गार्डन और नेकलेस गार्डन। फोटोज वीडियो में तो काफी चमक चमक लाइट दिखा है, तो चलो बैठे हैं अभी तो यहाँ पे, कहीं नहीं जा रहे। ब्रिज की भी अभी लाइट जल गई है, एक्चुअली जब पूरा अंधेरा होगा ना तो इसका व्यू काफी अच्छा आएगा। तो चारों तरफ लाइटिंग शुरू हो गई है, ब्रिज की लाइटिंग भी चल गई है, उधर सामने नेकलेस रोड वाला भी चल गया है, और यहाँ पे ना फाउंटेन्स है, यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन कुछ होगा। तो फाउंटेन तो चलता दिख रहा है बट ऐसे लाइट्स नहीं चल रही है। आया थोड़ा सामने से देखता है, मस्त कलाकारी करके ना इसमें। आई थिंक पानी से ये ऐसे ना फव्वारे से ना स्क्रीन टाइप बन रही है, और पीछे से प्रोजेक्टर उस पर लाइट आ रहा है, कुछ फोटोज अपेयर हो रही है उससे। फाउंटेन शो भी होता है, तो वही अभी हम लोगों ने देखा, तो वो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं थे और बहुत ही अच्छा था। मतलब फ्री में ऐसे देखा, अच्छे से आराम से बैठ के देख लिया, और मतलब वही सेम वाटर स्क्रीन और सेम जो म्यूजिकल फाउंटेन वाला था, जो सेम लुम्बिनी पार्क में हमने देखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट था यहाँ पे, दैट इज़ वन गुड पार्ट। और क्या था, और मतलब ओपन में था, मतलब जैसे ना केवल लेक पे खड़ा है ना, तो पूरा ओपन में था, ओपन में था, बहुत अच्छा था। और अभी मस्त हवा भी चल रही है, शाम का मौसम हो गया, रात हो गई है, तो देखते हैं। अच्छा लगा बैठ के। अब वापस हम चलते हैं ब्रिज से होते हुए नाइट गार्डन और नेकलेस रोड, और अभी सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है, तो लेट्स एंजॉय विद दैट। ये फाउंटेन शो का टाइमिंग है 7 बजे, तो आपको 7 बजे तक अगर ये फाउंटेन शो देखना है तो आपको 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। ब्रिज के उस तरफ जाते हुए हम ये मस्त सा फाउंटेन दिख रहा है, आई थिंक जनता दिख रही है, खुला हुआ होगा तो हम उधर भी जाएंगे फिर। और वही ब्रिज का जो मज़ा है वो तो एक्चुअली ना दूर से देखने का यही, इसके ऊपर चढ़ने में तो मतलब ऑब्वियसली कुछ दिखेगा नहीं, दूर से देखो एंजॉय करो। तो ये रूबी नेकलेस वाला जो आइटम था उसका 10 रुपये का फेसर टिकट था, और 10-10 रुपये के हम 2 टिकट लेके फिर से हम आ चुके हैं, अब यहाँ जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का वॉकवे है, और इसको हुसैन सागर में जो नेकलेस रोड है उस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, तो लेक की दूसरी तरफ से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल नेकलेस रोड की फीलिंग आएगी। इसमें यहाँ पे एड ऑन इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डिकोर, ऐसे जो वॉकवेज बना रखे हैं, मस्त फोटोज़ आएगी, तो हम जाते हैं फोटोज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं और आगे तक एंड तक जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये वॉकवे में ना लाइटिंग बहुत अच्छी है, और इसमें ना ऐसे कैमरा एंगल बहुत अच्छे निकलते हैं, तो मतलब ना डेफिनेटली इस पे या फिर नेक्स्ट वाले पे डेफिनेटली एक फोटो या वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो ये रूबी नेकलेस के जस्ट पास में भाई साहब बैठे हैं, 4 अलग अलग शक्ल बना के। तो अभी यहाँ का जो एक वन ऑफ द लास्ट अट्रैक्शन जो सिद्धिपेट नाइट गार्डन है, अंदर काफ़ी सारी लाइट्स दिख रही है हमें, तो जाते हैं फटाफट से टिकट लेते हैं और करते हैं एंट्री।
ये टनल टाइप कुछ बना रखा है, यहाँ भी जाएंगे। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, मस्त चल रहा है। अरे दौड़ रहा है यहाँ पे यार ना, इतना मस्त है एक्चुअली। मतलब ना एक एक जगह पे, एक एक स्पॉट पे ना इतनी सारी फोटोज खींचने का मन कर रहा है। टू गुड, लाइट्स काफी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के, मतलब ऐसे ना कलर्स भी ऐसे ना चुभ नहीं रहे आंखों में। प्रेशर वाला इसको करते हैं तो लाइटें जलती है, वाइट वाइट पे जलो तो ये देखो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए यहाँ पे हमारे। You are enjoying this like a kid. तो अभी हमने पूछा कि भाई ये सारे दिन खुला रहता है, तो भाई साहब ने कहा कि सब एवरी डे इट्स ओपन। ये नाइट गार्डन तो ऑब्वियसली शाम में 7 बजे से शुरू होता है, बट और 9 बजे तक ही रहता है, तो 2 घंटे रहता है, तो मेक श्योर यू प्लान अकॉर्डिंगली। हैदराबाद से थोड़ा दूरी है, तो मतलब यहाँ से अगर निकलेंगे 9 बजे, कुछ रस्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे, तो 12-12:30 तो बच जाना है, तो उस हिसाब से यू कैन प्लान। ठीक है, बट डेफिनेटली वर्थ इट। मतलब ना एक एक चीज 10-10 रुपए का टिकट था, कुछ महंगा नहीं है, बट बस उस दिन मौसम अच्छा होना चाहिए। अगर जैसे गर्मी है तो शाम में परेशान हो जाओगे, रात में ठीक था, हल्का फुल्का ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो रात में ठीक था। और ये थैंक यू विजिट अगेन के साथ हम हमारा कोमती चेरू का ट्रिप एंड करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस ट्रिप के बारे में? बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, तो इट्स लाइक टोटली वर्थ इट। तो हम ऐसे बहुत सारे और वीडियोस लाने वाले हैं हैदराबाद सीरीज में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब टू आवर चैनल फ्लाइंग डंपलिंग्स।